नमस्कार दोस्तों, रविवार का दिन भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन सूर्यदेव की उपासना की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्यदेव की पूजा आराधना की जाती है। आयुर्वेद में सूर्यदेव को वैद्य कहा जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब कोड रोग से पीड़ित थे। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने सांब को कोड रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करने की सलाह दी थी। भगवान सूर्य की उपासना करने से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। अतः सांब ने भी सूर्यदेव की कठिन भक्ति कर उन्हें प्रसन्न किया। उस समय भगवान सूर्यदेव की कृपा से सांब को कोड रोग से मुक्ति मिली। महाभारत काल में अंग नरेश कर्ण रोजाना सूर्यदेव की पूजा करते थे। तो अगर आप भी सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रविवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए खास उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सूर्यदेव को प्रसन्न करने के रविवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहले उपाय के तौर पर आपको बता दें कि भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन जल में लाल रंग के पुष्प, कुमकुम या रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। इस उपाय को करने से सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रविवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगले उपाय के तौर पर राहु, केतु और शनि की बाधा समाप्त करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर भगवान भास्कर को अर्घ दें। इस उपाय को करने से राहु केतु की बाधा समाप्त होती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो जल का अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इस उपाय को करने से अचानक आए संकट से यथाशीघ्र निजात मिलती है। इसके अलावा मछली को आटे की लोई खिलाएं। अगर आप कारोबार और तरक्की में उन्नति पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन नदी में काले तिल, गुड़ और चावल प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर भाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को रविवार के दिन खाने के लिए अर्थ का दान अवश्य करें। आप चाहें तो जरूरतमंदों को भोजन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।